हरे कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 12 भगवान श्री कृष्ण जी मुखारविंद में निकतल इन अत्यंत ही पवित्र शब्दन के मो संगद चवण जी कोशिश कयो भगवान चवन था युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकी अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकी अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते इन शब्दों से मायने रिसो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा युक्त मन जेको मानू भक्ति सेवा में लगल आहे कर्म फलम अर्थात कर्म जा फल त्यक्त्वा यानी त्यागे करे शांति अपनोति नैष्ठिकी शांति मन पूर्ण शांति एक है अपनोति मन प्राप्त करे तो नैष्ठिकी मतलब अटल अयुक्त काम कारेण अयुक्त मन जेको मानू कृष्ण भावनामृत में कोन आहे काम कारेण अर्थात कर्म फल जे भोगण लाए फले फल में सक्त आसक्त आहे निबधनंती यानी बंधनन में पवेथो तर्जमो स्थिर भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करे थो साकाण त हु सबनी कार्यन जो फल मुंह के अर्पण करे थो जदई के जेको मानो भगवान सा जुड़ियल कोन आहे जेको पहिंजे मेहनत जो फल पायण जी लालच रखे थो ओहो बंधन में बदजी वने थो शिला प्रभुपाद जी डाढे सुहणे तरीके सा समझाईंदा असा सब ध्यान सा शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य के पढ़ंदासी ए समझण जी कोशिश कंदासी शिला प्रभुपाद जी जय शिला प्रभुपाद जी चवन था त कृष्ण भावनामृत में रम्यल माणू ऐं पंहिंजे देह खे सभु कुझु समुझण वारे माण्हूअ जे विच में फ़र्क़ु इहो आहे त पहिरियों श्री कृष्ण में आसक्त आहे जॾहिं त ॿियो पंहिंजे कार्यनि जे फलनि में आसक्त रहे थो जेको माण्हू श्री कृष्ण में आसक्त आहे ऐं सिर्फ़ हुन लाइ कार्य करे थो उहो पक हिकु मुक्त पुरुष आहे ऐं हुन खे पंहिंजे कर्म जे फलनि जी का बि चिंता कान्हे भागवत में कर्म फलन जे चिंता जो कारण माण्हूअ जो पिटेपण जे विचार में कर्म कंदड़ समझायो वियो आहे जंहिंजो मतिलब आहे परम सत्य जे ज्ञान खां सिवाय कर्म करण श्री कृष्ण परम सत्य भॻवान आहे कृष्ण भावनामृत में बिटो पिणो कोन थींदो आहे जेको बि मौजूद रहे थो उहो श्री कृष्ण जी पैदाइश आहे ऐं श्री कृष्ण सभिनी जो मंगल कार्य आहे तंहिं करे कृष्ण भावनामृत में शांतीअ सां भरपूर रहे थो पर जेको माण्हू इंद्रिय तृप्तीअ लाइ लाभ जे लालच में बधजी रहे थो उन खे इहा शांती कोन थी मिली सघे इहो कृष्ण भावनामृत जो रहस्य आहे इहो अनुभव त कृष्ण खां सवाइ को बि जीवन कोन आहे शांति ऐं निडरता जो पद आहे श्री प्रभुपाद जी जय मूकं कुरुतु वाचालं पंगु लंघयति किरम् यत्कृपातमहं वन्दे श्री
आध्यात्मिक शब्दन के समझण लाए कृपा जी आवश्यकता है। तें करे हृदय में जेके भौतिक विचार हली रहा है, बुद्धि में जेके भौतिक सोचू आहिन, तें के परे करे असा शुद्ध हृदय एं पवित्र बुद्धि सा मंगलाचरण करना से ताकि इन अत्यंत ही रहस्यमय शब्दन के समझण जी असा के कृपा प्राप्त थी। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकणरघुनाथान् वितन्तं सजीवं श्रीरूपं साग्रजातं सकणरघुनाथान् वितन्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सकणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता मात जी जय। अध्याय पंज जो नालो आहे कृष्ण योग, कर्म योग यानी कृष्ण भावना मृत में कर्म। श्लोक नंबर 12। आज इन श्लोक में भगवान अज ताई हिंसर ताई जेके भी असा श्लोक पढ़िया आहिन पंजे अध्याय जा उनन सबिन श्लोकन जो निष्कर्ष निचोड़ बुधा रहा आहिन। ही श्लोक जेको आहे सो पहनियन श्लोकन का निचले स्तर ते अची वो है। क्या आयो है जी अन्या ताई भगवान असंके छा बुधायो है कि कर्म योग ए ज्ञान योग बई एक ही स्तर ते आहिन बई बराबर आहिन, पर इनन मा कर्म योग ज्ञान योग का आसान आहे बेहतर आहे। छाकाण बेहतर आहे छाकाण त जीव जो स्वभाव आहे कर्म करण, त जेकॾहिं जीव कार्य कंदो त सुखम बंधात प्रमुच्यते, ओ सुख सां यो कर्म योग जो जेको रस्तो आहे उन ते हली सघे थो। पर हिन श्लोक में भगवान कर्म योग ए ज्ञान योग जी ॻाल्हि नथा कनि। हिन श्लोक में भगवान कर्म योग ए कर्म कांड जी ॻाल्हि करे रहिया आहिनि। ॾिसो हिते भगवान छा चयो, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आप्नोति नैष्ठिक्यम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। एकड़ो युक्त कर्म है एक अयुक्त कर्म है। युक्त कर्म मतलब जेको भगवान जे प्रसन्नता लायक जे,
भक्तिअ में लॻी करे जेको कार्य कजे थो हुनखे चइजे थो कर्मयोग। ऐं अयुक्त यानी कार्य त कयूं मगर हुन में भॻवान जी प्रसन्नता लाइ न सोचूं बल्कि पंहिंजी इंद्र तृप्तीअ लाइ सोचूं, उहो आहे अयुक्त यानी कर्मकांड। त हिते भॻवान अत्यंत ई सुंदर तरीक़े सां ॿुधाइनि था। पहिरीं लाइन जेकी आहे हुन में भॻवान युक्त कर्म जेकॾहिं को युक्त थी वेंदो आहे भॻवान सां, अर्थात भक्तिअ में लॻी करे भॻवान सां पंहिंजो संबंध जोड़े करे जेकॾहिं को कार्य करे थो उन जो छा लाभ थींदो आहे, ऐं जेको अयुक्त यानी उहो जेको भॻवान सां कृष्ण भावना मृत खां सवाइ जेको कार्य करे थो, भॻवान जी प्रसन्नता खे सोचण खां सवाइ जेको कार्य करे थो, उन जो छा रिज़ल्ट निकिरे थो, उन जे विषय में भॻवान ॿुधाइनि था। त पहिरीं लाइन में भॻवान चयो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, पहिरीं त भॻवान सां युक्त थी वञे भक्तिअ में लॻी करे, कर्म फलम त्यक्त्वा यानी कर्म जे सभिनि फलनि खे त्यागे करे जेको जीव कार्य कंदो आहे उनखे छा प्राप्त थींदो आहे, शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। नैष्ठिकीम जो मतिलब आहे अचण, उहा शांति जेकी कॾहिं क्षीण न थिए, जेकी कॾहिं ख़तम न थिए, जेकी कॾहिं समाप्त न थिए। वैसे त भक्तो इन भौतिक जगत में बि घणाई तरीक़ा आहिनि शांति ऐं आनंद प्राप्त करण जा, लेकिन असां ॾिसंदा आहियूं हिकड़े ॾींहुं उन कार्य खां जंहिंसां असां शांती प्राप्त करणु चाहियूं था, थोरे टाइम मिलंदी आहे शांती, वरी उहा ई बेचैनी, उहा ई अतृप्ति असांखे महसूस थींदी आहे। लेकिन जॾहिं भॻवान हिते ॿुधाइनि था युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, जेकॾहिं को जीव भॻवान जी प्रसन्नता लाइ कार्य कंदो आहे, भॻवान जी भक्तिअ में लॻी करे कार्य कंदो आहे, त उनखे नैष्ठिकी शांति प्राप्त थींदी आहे, असल शांति प्राप्त थींदी आहे। ऐं अयुक्त जेको भॻवान सां पंहिंजो योग जोड़ींदो न आहे, कृष्ण भावना अमृत सां रहित हूंदो, जेको भॻवान जी भक्ति न कंदो आहे, उहो कार्य छाजे लाइ कंदो आहे, काम कारण उहो बि कार्य कंदो आहे, लेकिन कर्म फल जे भोगण जे कारण उहो सोचींदो आहे मूंखे कर्मनि जो फल प्राप्त थिए, ऐं उन जो रिज़ल्ट छा निकिरंदो आहे, फले सख़्तो, छाकाणि त हू फल में आसक्त हूंदो आहे, निबध्य थे, उहो बंधननि में फासजंदो आहे। त हिते ॿ शयूं भॻवान ॿुधायूं, युक्त कर्म फलम त्यक्तो आहे शांति मापनोति नैष्ठिकीम, अयुक्त काम कारण फले सख़्तो निबध्य थे, जेके कृष्ण भावनामृत में रही करे भॻवान सां पंहिंजो संबंध जोड़े करे भॻवान जी प्रसन्नता लाइ कार्य कंदा आहिनि उन्हनि खे छा छा प्राप्त थींदो आहे, शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। ऐं जेके अयुक्त हूंदा आहिनि भॻवान सां पंहिंजो संबंध जोड़े करे भॻवान जी प्रसन्नता लाइ कार्य न कंदा आहिनि उन्हनि जो छा रिज़ल्ट निकिरंदो आहे, फले सख़्तो निबध्य थे, छाकाणि त उहे फल में आसक्त आहिनि तंहिं करे उहे बंधननि में फासजी वेंदा। जेकॾहिं ध्यान सां ॾिसूं त भॻवान हिन श्लोक में ॿ ॻाल्हियूं ॿुधायूं आहिनि, हिकड़ी इहा त जीव खे वास्तविक शांती कीअं प्राप्त थिए, ऐं ॿियो इहा त जीव बंधननि में कीअं फासंदो आहे। वास्तव में भक्तो मनुष्य जूं बसि इहे ई ॿ प्रॉब्लमियूं आहिनि, त उहो बंधननि मां छुटकारो प्राप्त करे, मोक्ष प्राप्त करे, ऐं आनंद इटरनल आनंद खे प्राप्त करे। हर हिकु जीव आत्मा जी इच्छा इहा ई आहे त हू आनंद प्राप्त करणु चाहे थी। ऐं संसार में असां ॾिसूं जेको व्यक्ति पंहिंजी बुद्धीअ सां जेको बि कार्य करे थो उन जो इटरनल अल्टीमेटली उहो रिज़ल्ट छा चाहे थो, त इन खां मूंखे सुखी थियणो आहे, इन कार्य सां मूंखे आनंद प्राप्त करणो आहे, इहो ई जीव जो ई लक्ष्य आहे। चाहे उहो खाए थो, चाहे सुम्हे थो, चाहे धन एकत्रित करे थो, वॾा वॾा बंगला ऐं गाॾियूं इमारतियूं जेको कुझु बि उहो प्राप्त करे थो न संसार में, उहो प्राप्त करे उनजो अल्टीमेटली गोल छा हूंदो आहे, त उहो आनंद प्राप्त करणु चाहे थो। ऐं हिते भॻवान उहो ई आनंद प्राप्त करण जो तरीक़ो ॿुधाए रहिया आहिनि, शांति प्राप्त, छाकाणि त जीव छाजे करे आनंद चाहे थो, छाकाणि त हू भॻवान जो अंश आहे, ऐं भॻवान
वास्तव में सच्चित आनंद आहे, आनंद जो स्वरूप आहे, आनंद जो सागर आहे, ऐं उनही आनंद जे सागर जो अंश होण करे जीव जी सिर्फ हिकड़ी ही इच्छा आहे त मुखे आनंद प्राप्त थियण घुर्जे। ऐं भगवान हिते उनही आनंद के प्राप्त करण जो हिकड़ो तरीको बुधाए रहा आहिनि। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकी। जेकॾहिं तूं भक्ति में लगी करे मूंखे प्रसन्न करण लाइ कार्य कंदे त पोइ तोखे सचित आनंद यानी वास्तविक शांति प्राप्त थींदी। वास्तविक भक्तो आत्मा सत्य आहे ऐं इहा सत्य जेको आहे उहो आनंदित हुजण घुर्जे, उहो आनंदित हुजण डिजर्व करे थो। आत्मा सत्य आहे ऐं एक तरह सां ॾिसूं त शरीर बि सत्य आहे, छाकाणि त ॾिसण में अचे थो, लेकिन माया छा आहे ख़बर अथव? जॾहिं आत्मा पंहिंजो पाण खे इहो शरीर समुझण लॻंदी आहे न, उहो ई माया आहे, उहा ई अज्ञानता आहे, उहो ई मोह आहे। वास्तविकता इहा आहे त असांजो हीउ शरीर आहे ऐं वास्तव में असां आत्मा आहियूं जेकी हिन शरीर जे अंदर रहे थी। ऐं इहो शरीर आत्मा खे इन जे लाइ ॾिनल आहे ताकी शरीर जे द्वारा कार्य करे उन आत्मा खे प्रसन्न करे सघूं। छाकाणि त आत्मा शरीर जी मालिक आहे, शरीर आत्मा जो स्वामी न आहे। शरीर त आत्मा खे हिकिड़ो अहिड़ो इंस्ट्रूमेंट ॾिनो वियो आहे जंहिंजे द्वारा आत्मा खे संतुष्ट कयो वञे, पर विडंबना छा आहे त जीव एतिरो अज्ञान में किरी वेंदो आहे कि उहो छा सोचींदो आहे त मुंहिंजे अंदरि आत्मा आहे ऐं मां शरीर आहियां, मूंखे पंहिंजे शरीर खे आनंदित करणो आहे। हर हिकु जीव असां ॾिसूं मतिलबु कहिड़ी बि योनीअ में आहे, उहो सिर्फ़ और सिर्फ़ पंहिंजे शरीर खे ही संतुष्ट करण जी इच्छा ऐं कोशिश करे थो, है न? असां ॾिसो निम्न योनि में हिकिड़ो कुतो बि जॾहिं सिज लॻंदो अथसि त उहो हिकिड़े पेड़ जी छांव में अची वेहंदो आहे। छाकाणि त उहो चाहींदो आहे कि मुंहिंजे शरीर खे आनंद मिले। अगरि उहो कुझु खाईंदा आहिनि, कुता, सूअर, गटर जा मल खणी खाईंदा आहिनि, त उनजो मतिलबु छा आहे? उहो आनंद थियणु चाहिनि था। ऐं उहो ई साॻियो फार्मूलो मनुष्य बि अपनाए थो। उहो जेको कुझु बि मनुष्य अॼुकल्ह करे थो, उहो सिर्फ़ और सिर्फ़ पंहिंजे शरीर खे आनंदित करण लाइ करे थो। सुम्हे थो त शरीर खे आनंद खपे, जागे थो त शरीर खे आनंद, खाए थो त शरीर जे आनंद लाइ, घुमे थो त शरीर जे आनंद लाइ, हर कार्य जीव करे थो शरीर जे आनंद लाइ। इहा ई सभ खां वॾी प्रॉब्लम आहे। लेकिन इंद्रियनि जी हिकड़ी अहिड़ी वास्तविकता आहे जंहिंसां जीव वाकिफ़ हूंदे हुए बि उनखे स्वीकार नथो करे, ऐं उहा इहा आहे त इंद्रियनि खे पंहिंजे शरीर खे सुखी करे ई नथो सघिजे। शरीर खे आनंदित या संतुष्ट करणु संभव ई न आहे। इतिहास खोले ॾिसो, अॼु ताईं जंहिं सोचो आहे त मां इहा शइ प्राप्त करे पंहिंजे शरीर खे पाण खे आनंदित करे सघंदसि, ऐं उहा शइ जॾहिं उनखे प्राप्त थी हुजे ऐं पोइ उहो आनंदित ऐं संतुष्ट थी वियो हुजे, संभव ई न आहे। ईअं थी ई नथो सघे। नंढियूं नंढियूं मिसालूं त तव्हां वटि घणियूं हूंदियूं, उन खां मथे हलियो। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जे पास संसार जो सभु वैभव, भॻवान करे पूजंदा हुया। हर हिकु वस्तु सभई देवता हुन जा नौकर बणिजी करे कार्य कंदा हुया, पर पोइ बि उन जूं इंद्रियूं संतुष्ट न हुयूं, हू अशांत हुयो। उन खां अॻियां रावण जे वटि त्रिलोकी जो राज्य हुयो ऐं सोने जी लंका हुई, निष्कंटक राज, परंतु एतिरे सभु वैभव जे होते हुए बि हू अशांत हो, उन जे अंदर जी हवस शांत न हुई। हिन धरतीअ ते त अॼु ताईं कोई संतुष्ट थी न सघियो आहे। पंहिंजी इंद्रियनि खे आनंद ॾियण जो चाहे उन वटि केतिरी सामग्री छो न हुजे, उहो आनंदित नथो थी सघे। लेकिन हैरानी जी ॻाल्हि ॿुधो, जॾहिं असां स्वर्ग में हली वेंदासीं न, तॾहिं स्वर्ग में बि असांजी इंद्रियूं शांत नथियूं थी सघनि। ऐं स्वर्ग जे रहवासियुनि जी कहिड़ी ॻाल्हि कजे? स्वर्ग जो जेको राजा आहे न,
जंहिंखे सभई वैभवनि जो राजा चयो वेंदो आहे, स्वर्ग जो राजा इंद्र कॾहिं शांति न थींदो आहे। इंद्र स्वर्ग जो राजा आहे, लेकिन जॾहिं बि धरतीअ ते कोई अश्वमेध यज्ञ कंदो आहे तॾहिं परेशान थी वेंदो आहे, आसन हुन जो हिलण लॻंदो आहे। इतिहास कवा भागवत में लिखियल आहे, पृथ्वी महाराज जॾहिं 99 यज्ञ कया तॾहिं इंद्र बार बार अची करे हुन जा घोड़ो चोरी कंदो हुयो त मता न इहो वरी 100 यज्ञ करे मुंहिंजो इंद्रासन खसे वठे। उहो इंद्र जंहिंखे स्वर्ग जूं सभई अप्सराऊं हथ हुयूं, उहो इंद्र पंहिंजे हवस खे शांति न करे सघियो ऐं गौतम ऋषीअ जी पत्नी अहल्या वटि आयो पंहिंजी इंद्रियनि जी बुख खे शांति करण लाइ। मतिलबु चवण जो हिते इहो आहे त इंद्रियनि खे शांति करणु संभव न आहे, इंद्रियनि खे संतुष्ट करणु संभव न आहे, इंद्रियूं संतुष्ट थी नथियूं सघनि। छाकाणि तव्हांखे ख़बर आहे छा जे लाइ? इन जो जवाबु ॾाढो आश्चर्यमय आहे ऐं उन जो जवाबु इहो आहे त इंद्रियुनि खे बिल्कुलु शांतीअ जी इच्छा ई न आहे। इंद्रियूं त जड़ आहिनि, उन्हनि खे तृप्तीअ जो मतिलब ई न आहे ख़बर। जड़ माना जंहिंजे अंदरि अकुल न हुजे, जंहिंजे अंदरि कोई पूर्तीअ जी इच्छा न हुजे, या जेकी आनंद प्राप्त करण जी, शांति प्राप्त करण जी इच्छा आहे न, उहा इंद्रियनि जी आहे ई कान्हे। उहा जीअं ॾिसो जंहिंजे अंदरि आत्मा निकिरी वेंदी आहे न, इंद्रियूं त हुन जे अंदरि हूंदियूं आहिनि। छा उहा उहो मृतिक देह, उहे इंद्रियूं कॾहिं कुझु ॾिसण जी इच्छा कनि थियूं, कॾहिं कुझु ॿुधण जी इच्छा कनि थियूं, कॾहिं कंहिं सां प्रेम करे उन खे हक करण जी इच्छा कनि थियूं न, इहा इंद्रियनि जी इच्छा आहे ई न आहे। वास्तव में इहा इच्छा आनंद प्राप्त करण जी, इटर्नल शांति प्राप्त करण जी, इटर्नल संतुष्टि सेटिस्फेक्शन प्राप्त करण जी जेकी इच्छा आहे सा असांजी इंद्रियनि जी न आहे, इहा इच्छा त असांजी आत्मा जी आहे। वास्तव में इहा आत्मा आहे जेकी आनंद चाहे थी, संतुष्टि चाहे थी, सेटिस्फेक्शन चाहे थी, ऐं असां मूर्ख आहियूं जेके उहा आनंद इंद्रियनि खे ख़ुशि करण में करे उन इंद्रियनि खे संतुष्ट करण जी कोशिश में पंहिंजो सॼो मनुष्य जीवन समाप्त करे छॾींदा आहियूं। पर छाकाणि त आत्मा भॻवान जो अंश आहे, भॻवान सच्चिदानंद आहे, इन ई करे आत्मा आनंद जी इच्छा करे थी, ऐं छाकाणि त उहा हुन जी नेचर आहे। आत्मा आनंद प्राप्त करण जी इच्छा करे थी ऐं उन जो उनखे इहो आनंद तॾहिं प्राप्त थी सघे थो जॾहिं हू परमात्मा सां पंहिंजो संबंध जोड़ींदी आहे। परंतु इहा आत्मा भौतिक प्रकृतिअ सां संग हुअण करे, अज्ञानता जे करे, इन्हनि भौतिक वस्तुअनि सां संतुष्टि प्राप्त करण जी इच्छा करे थी। परंतु हिन भौतिक प्रकृतिअ जी कंहिं बि वस्तुअ द्वारा आत्मा खे संतुष्ट करणु संभव ई न आहे। हिन संसार में जेके बि वस्तु जंहिं सां असां आनंदित थियण चाहियूं था उहे ई आहिनि। जीअं रेगिस्तान में हिकिड़ो उञो माण्हू हुजे घणनि ॾींहनि जो ऐं उनखे उञ में व्याकुल आहे, ॾाढो व्याकुल थी रहियो आहे, ऐं अचानक सां पाणीअ जी हिकड़ी बूंद उन जी सुखी जिभ ते किथां अचे, त उन टाइम ते उनखे हिकड़े सेकेंड लाइ आनंद त आयो, परंतु जीअं ई उहा बूंद समाप्त थी वई त उनखे उन पहिरें खां वधीक तृष्णा महसूस थींदी। छाकाणि त हिकड़ी जेकी बूंद उन जी ज़ुबान ते किरी उहा उनखे अञा बि वधीक असंतुष्टि ऐं तृष्णा प्रदान कंदी आहे। उन ई तरह सां हिन भौतिक जगत में जेकी वस्तुअनि सां असां आनंदित प्राप्त करण चाहियूं था उहो आनंद एतिरो त क्षणिक आहे, एतिरो त शुद्ध आहे, एतिरो त थोरी मात्रा में आहे त जीव खे जॾहिं उहो आनंद वो प्राप्त कंदो आहे तॾहिं हृदय जे अंदर और बि अतृप्ति और बि तृष्णा और बि असेटिस्फेक्शन प्राप्त थींदो आहे, और खपे और खपे और खपे जी जेकी अग्नि आहे सा अञा बि भड़कंदी आहे। जीअं असां ॾिसूं था कंहिं माण्हू सोचींदा आहिनि त धन प्राप्त करे असां आनंदित थींदा आहियूं,
ऐं उहो धन प्राप्त करण लाइ घणी कोशिश कंदा आहिनि ऐं असां पढ़ंदा आहियूं मैगज़ीन्स में ऐं संसार में बि ॾिसंदा आहियूं कि माण्हू मिलियनर हूंदा आहिनि बिलियनर हूंदा आहिनि उन्हनि वटि करोड़ो करोड़ो रुपया हूंदा आहिनि छा उहो धन उन्हनि खे संतुष्ट ॾेई सघियो असंभव धन सां कॾहिं को संतुष्ट थी नथो सघे केर सोचींदा आहिनि असां शराब पी करे आनंदित थींदासीं असां ॾिसूं संसार में घणा ई आहिनि जेके घणा ई लीटर शराब पीअंदा आहिनि छा उहे संतुष्ट आहिनि सवाल ई पैदा नथो थी सघे कि कोई शराब पीअण सां धन प्राप्त करण सां या कोई बि भौतिक वस्तु खाइण पीअण सां संतुष्ट थी सघे सम पीपल थिंक्स दैट सेक्स लाइफ इज सेटिस्फेक्शन although prostitutes having sex 10 to 15 times in a day are they satisfied impossible ko manu jetro bhi chahe tho jetro bhi koshish kare tho pahindi ichha unke vasna unke samapt karan ji uhe anya vadhik bhadkandiyo ahin jetro jetro asan koshish karna utro utro vadhandiyo ahin aakhir saje kare bhagwan chainno bhagavad gita mein 2.70 आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामि भगवान चवंदा जीअं पाणीअ सां भरपूर समुद्र में सभई नदियूं प्रवेश कनि थियूं पर समुद्र सदाई शांति रहे थो साॻी तरह उहो माण्हू जेको इच्छाइनि जे लगातार तेज़ वहिकरे सां विचलित नथो थिए पर सदाई शांति रहे थो सिर्फ़ उहो ई शांती प्राप्त करे थो ऐं न उहो मनुष्य जेको अहिड़नि इच्छाउनि खे तृप्त करण लाइ कोशिश करे थो मतिलबु भौतिक इच्छाऊं पूरियूं करे कॾहिं बि जीव शांत नथो थी सघे जेतिरो जेतिरो इच्छाऊं पूरियूं कंदासीं ओतिरी ओतिरी उहा बाहि अञा बि बढ़ंदी वेंदी तंहिं करे भॻवानु ॿुधाइनि था कि इच्छाउनि खे इंद्रिय तृप्तीअ खे करंदे करंदे कॾहिं बि आनंद प्राप्त नथो थी सघे छाकाणि त इंद्रिय तृप्ति शांती नथी चाहे शांती त असांजी आत्मा जी खोज आहे इहा त असांजी आत्मा जी तड़प आहे आत्मा तड़पी रही आहे उन शांतीअ जी इटर्नल शांतीअ जी प्राप्ति करण लाइ पर प्रॉब्लम छा आहे त आत्मा उहा आध्यात्मिक शांती प्राप्त करण चाहे थी इन्हनि भौतिक वस्तुअनि या व्यक्तियुनि सां पंहिंजो संबंध जोड़े तंहिं करे भॻवान अॼु असांखे ॿुधाइनि था त इहो तरीक़ो जेको असां अपनायो आहे न उहो सही न आहे इटर्नल शांती प्राप्त करण जो हिकिड़ो ॿियो तरीक़ो आहे ऐं उन जे विषय में भॻवान अॼु असांखे ॿुधाए रहिया आत्म साक्षात्कार ई मनुष्य जीवन जो एकमात्र लक्ष्य आहे पहिरीं पाण खे सुञाणो त असां ही शरीर न आहियूं असां आत्मा आहियूं ऐं पोइ आत्मा खे कीअं आनंद प्राप्त थींदो छाकाणि त आत्मा भॻवान जो अंश आहे भॻवानु चवनि था ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन आत्मा भॻवान जो अंश आहे ऐं आत्मा खे आनंद तॾहिं ई प्राप्त थींदो जॾहिं उहो भॻवान सां पंहिंजो भुलियल संबंध पुनः निर्माण कंदो ही प्रैक्टिकल आहे इहो आत्म साक्षात्कार ऐं भॻवान सां पंहिंजो संबंध जोड़ण बिल्कुलु प्रैक्टिकल करे सघिजे थो इहो ईअं न आहे असां कंहिंखे छलियो वञे थो कंहिंखे धोखो ॾियण कि भई हा तव्हांखे जंगल में वञी करे पद्मासन लॻाइणो आहे ऐं पंहिंजे प्राणनि खे मथे जी इते मथे इते आणे करे अखियुनि खे अधु बंदि करणो आहे ऐं उन खां पोइ ईअं करणो आहे कुझु न ॿुधायो वियो आहे आत्मा असंतुष्ट आहे छाजे करे छाकाणि त हूअ कृष्ण खां परे आहे आत्मा पंहिंजे कृष्ण खे ॻोल्हे रही आहे ऐं उन कृष्ण सां जॾहिं आत्मा जो पुनः योग थी वेंदो आहे पुनः रीकॉन्टेक्ट थी वेंदो आहे वापसि संबंध जुड़ी वेंदो आहे तॾहिं आत्मा संतुष्ट थी सघे थी ॿियो को तरीक़ो कान्हे ऐं इहो भॻवान सां योग जोड़णु एॾो त सरल ऐं प्रैक्टिकल आहे त कोई बि करे सघे थो इन जे लाइ
जे जेकी योग्यता जी आवश्यकता है वह सिर्फ इतनी है तो जीव जे अंदर श्रद्धा हो जे जे कदी जीव श्रद्धा सा सिंसियरिटी सा भगवान सा पेंजो संबंध जोड़े थो आई भगवान जे भक्ति योग के अपनाए थो त अत्यंत ही सरलता सा हो पेंजे वास्तविक लक्ष्य यानी कृष्ण प्रेम के प्राप्त करे सके थो जे कदी को चवे थो त न भक्ति योग मुझे लाए पॉसिबल ना है मां यो योग करे न तो सका तो पो उन जो मतलब इयो आहे त हु इहो करण न थो चाहे छका त भक्ति योग हर केंजे लाए संभव ही ना पर सरल भी आहे वास्तव में इयो ओ रस्तो आई ना जेंते को हली न सके यो ओ योग ना है जेको केर न थो करे सके कृष्ण भावनामृत ओ रस्तो ओ गाल ना है जे केन जिला संभव न हो जे हर को करे सके तो परंतु प्रॉब्लम जा आहे तो जीव आत्म साक्षात्कार करे भगवान के प्रसन्न करण जी इच्छा ही न तो करे जीव चाहे न तो मां इंद्रियन के संतुष्ट करण छे करे भगवान जी भक्ति करण शुरू कया या भगवान के प्रसन्न करण शुरू कया जीव सोचे तो अज्ञानता के कारण जीव सोचे तो मां सभी का अलग आया अज ताई जे कदी को धन प्राप्त करे अगर आनंदित न थी सको आहे तो छा थी सके पर मां धन से आनंदित थी देखारींदस अज ताई जो भौतिक हवस के पूरी करे जीव आनंदित न थियो आहे त कोई गाल कोने मां इया करे देखारींदस भले ही अज ताई के भौतिक वस्तुअन से आनंद ए शांति प्राप्त न कई है परंतु मां इया करे देखारींदस छाकाण त मां स्पेशल आया मां सभिन का अलग आया परंतु भगवान इते चवन था अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते अयुक्त जेको भगवान से पैंजो संबंध न थो जोड़े भगवान जी भक्ति न थो करे भगवान से पैंजे विछड़ संबंध के पुनः निर्माण करने की इच्छा न थो करे बल्कि फले सक्तो पैंजे कर्म जे फलन में आसक्त होंदो आहे आई वो सोचिंदो आहे त मां पैंजी योग्यता सा पैंजे कार्यन जे परिणाम सा सुखी थींदस त भगवान चवन था अरे वो सुखी न थींदो पर वो त निबध्य थे बल्कि बंधनन में फसंदो भगवान साफ साफ चयो आहे युक्त कर्म फलम त्यक्तो शांति आपनोति नैष्ठिकीम हिकड़ी गाल बुद्धि वठो जे कदही असंखे आनंद खपे शांति खपे आई नैष्ठिकी अचल इटरनल शांति जी घुर्ज आहे त उन जो रस्तो चाहे युक्त कर्म फलम त्यक्ता पैंजे कर्मन जे फलन के त्यागे करे भगवान से पैंजो संबंध जोड़नो आहे लेकिन जे कदही को इ न तो करे अयुक्त काम कारण अयुक्त है भगवान से संबंध जोड़े बगैर पैंजे कार्यन के करे तो आई फलन जी आसक्ति रखे तो उहो निबध्यते बंधनन में फसंदो आहे बारंबार जन्म मरण जे चक्कर में फसंदो आहे कदी मथे जे लोकन में कदी हेठां जे लोकन में कदी नरक में कदी स्वर्ग में झुलंदो रहंदो आहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि जे रोगन में तड़पंदो रहंदो आहे बार बार माता जे गर्भ में अचणो पवंदो पुनरपि जनमम पुनरपि मरणम तंहिं करे हिते जेको भगवान ॾाढो सुंदर ऐं सरल तरीक़ो ॿुधायो आहे भगवान जेको अत्यंत ही सुंदर शब्दन में बुधायो आहे त जेकॾहिं आनंद खपे जेकॾहिं इटरनल शांति खपे जेकॾहिं नैष्ठिकीयम शांति ऐं उहा शांति जेकी अचल आहे जेकी कॾहिं समाप्त न थी सघे उहा जेकॾहिं प्राप्त करणी आहे त हुन जो हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे युक्त मूंसां पंहिंजो संबंध जोड़ो मूसा भगवान सा भगवान जी भक्ति करे जीव जदई पंहिंजे कर्मन के त्यागे तो ऐं भगवान जी प्रसन्नता लाइ कार्य कंदो आहे तदई हू नैष्ठिकीम शांति प्राप्त कर सके तो भगवान चई ॾिनो भगवत गीता में अशांतस्य कुतः सुखम जेके शांति नाहे उन खे कॾहिं सुख नथो मिली सघे ऐं सुख ऐं आनंद खे प्राप्त करण जी सीढ़ी आहे शांति उहा तॾहिं प्राप्त थींदी जॾहिं असां कर्मनि जे फलनि जी इच्छा न रखी करे कर्मनि खे भॻवान जे निमित समर्पित कंदा आहियूं भॻवान ॿुधायो श्रीमद भगवत गीता 9.27 में यत् करुषि यदश्नासि यच्छुहोषि तदासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्
हे अर्जुन तू जेकी कुछ कर्म करी थो जेकी कुछ दान नी थो जेकी कुछ तपस्या करी थो सो सब मुझे निमित्त कर। माना अर्जुन पूछे कृष्ण तुझे निमित्त छो करें उन लाभ प्राप्त थी तरी भगवान चवन था 9.28 में शुभा शुभ परैरेवम् मोक्षसे कर्म बंधन शुभ अशुभ फल जेके शुभ अशुभ फल जैसे करे तो के वरी बीहर जन्म वो पवन से सब फल चाहे शुभ अशुभ आ सब जो खातो है ना सो सब खत्म थी वो मोक्ष से मुक्ति प्राप्त थी कैसा कर्म बंधन कर्म बंधन का मुक्ति प्राप्त करे तो मुंह ताई पहुंचने बस तो के करणो चाहे हर कार्य मुझे निमित्त समर्पित करणो आहे युक्त कर्म फले त्यक्तो। वास्तव में भक्तो यो ही असांजे जीवन जो आखिरी मकसद आए यो ही लक्ष्य है तो अस इन संसार का तरी पार करे भगवत धाम के प्राप्त करो छाकाण ही संसार यो आए ना है जैमे के जीव के आनंद प्राप्त थे ही संसार आनंद दी जाए ना है ही संसार लाय भगवान चवन था दुखालयम अशाश्वतम पदम पदम यत विपता सर्वत्र दुखम पश्येत हर ही कदम ते विपत्ति हर जाए ते दुख ही दिसणींदा यो संसार भगवान जीव के दुख देने लाई ही बनायो है ही संसार तहिकड़ी दलदल जी आहे जेत्रो जेत्रो असा उन संसार में आनंदित थियण लाए उन संसार सा जे वेझो वेंदा हूं उत्रो उत्रो दलदल में धसता वेंदा आयो तह करे असां जे जीवन जो मकसद आहे इन संसार रूपी दलदल के पार करे भगवत धाम के प्राप्त करण परंतु जे करे जीव पैंजी बुद्धि से कार्य करे आई वो इन दलदल में लिप्त थियण नथो चाहे अंदर धसण नथो चाहे तो उनके छा करणो पवंदो उनके कंवर जी बणजणो पवंदो जे कल भगवान बुधायो श्लोक नंबर 10 में लिप्यते न च पापेन पद्म पत्र मेवाम्बस जेके माण्हू ब्रह्मण याधाय कर्माणी संगम त्यक्त्वा करोति यः जेके भगवान जी प्रसन्नता लाइ कार्य कंदा आहिनि ऐं कर्मनि में को बि आसक्ति न रखंदा आहिनि उहे लिप्यते न स पापेन उहे पापनि में कॾहिं बि लिप्त न थींदा आहिनि जीअं कमल जो गुल भले ई कीचड़ में खिलंदो आहे लेकिन उन कीचड़ जो उन ते को असर या प्रभाव न पवंदो आहे छाकाणि त हू कीचड़ खां सदैव न्यारो रहंदो आहे। उन ई तरह कृष्ण कॉन्शियसनेस असांजी चेतना खे कमल जे गुल जीअं बणाए छॾींदी आहे त भले ही कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति जेको हूंदो आहे सो भौतिक कार्य बि कंदो आहे तॾहिं बि बस इहा ई ॻाल्हि समझण जी आहे त जेकॾहिं जीव खे आनंद प्राप्त करणो आहे नैष्ठिकी अचल ऐं कॾहिं बि ख़तम न थियण वारी शांती ऐं आनंद प्राप्त करणो आहे त उन जो हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम युक्त थी करे यानी भक्ति में लगी करे भगवान जी प्रसन्नता लाइ कार्य करणो आहे ऐं उन्हीअ सां आनंद प्राप्त थींदो। श्री प्रभुपाद जी पंहिंजे तात्पर्य में ॾाढे सुहिणे तरीक़े सां ॿुधायो त कृष्ण भावनामृत में रमियल माण्हू ऐं पंहिंजे देह खे सभु कुझु समुझण वारे माण्हूअ जे विच में फ़र्क़ु इहो आहे त पहिरियों श्री कृष्ण में आसक्त आहे जॾहिं त ॿियो पंहिंजे कार्यनि जे फलनि में आसक्त रहे थो। जेको माण्हू कृष्ण में आसक्त आहे ऐं सिर्फ़ हुन लाइ कार्य करे थो उहो पक सां मुक्त पुरुष आहे ऐं उनखे पंहिंजे कर्म जे फलनि जी का बि चिंता न आहे। वास्तव में जीव जे बंधन जो कारण इहो ई आहे त जीव पंहिंजे फलनि कर्मनि जे फलनि में आसक्त आहे इहो ई डुख जो कारण आहे इहो ई बंधन जो कारण आहे इहो ई ॼमण मरण जे वाट ते मोटण जो कारण आहे। बस उहो कार्य भगवान जे निमित जेकॾहिं समर्पित करे छॾियो जेकॾहिं उन जे फलनि में का आसक्ति न रखूं त पोइ जीव मोक्ष खे प्राप्त कंदो आहे। पंहिंजी इंद्रिय तृप्तीअ जे लाइ कयल कर्म असांखे फासाईंदा आहिनि बंधननि में ऐं भगवान जे प्रसन्नता लाइ कयल कर्म असांखे मोक्ष प्रदान कंदा आहिनि। जीअं कल्ह असां पढ़ियो की पेर में लॻल
कंडे के कढ़ण लाइ बियो कंडो यूज करे उनखे कढी सघबो आहे। इन ई तरह असां जे कर्मनि फलनि जे बंधननि खां छुटण लाइ भॻवान जी भक्तिअ वारा कर्म जेकॾहिं असां कयूं था, भॻवान खे प्रसन्न करण लाइ कार्य कयूं था, त पोइ असांजे कर्मनि जे बंधननि जी श्रृंखला समाप्त थी वेंदी। श्रील प्रभुपाद जी अॻियां चवनि था त श्री कृष्ण सभिनि जो मंगल कार्य आहे, तंहिं करे कृष्ण भावनामृत में शांतीअ सां भरपूर रहे थो। पर जेको माण्हू इंद्रिय तृप्तीअ लाइ लाभ जे लालच में बधजी रहे थो, उनखे इहा शांति कोन थी मिली सघे। वास्तव में इन हक़ीक़त खे असांखे समझणो आहे ऐं स्वीकार बि करणो आहे त असां सभु भॻवान जा अंश आहियूं। आत्मा भॻवान जो अंश आहे ऐं आत्मा जी संतुष्टि भॻवान जी संतुष्टिअ में ही रखियल आहे। जेसि ताईं असां भॻवान जी प्रसन्नता लाइ कार्य न कंदासीं, असां पंहिंजो पाण खे यानी आत्मा खे संतुष्ट कॾहिं नथा करे सघूं। इंद्रिय तृप्तीअ लाइ चाहे केतिरा बि लालच में कार्य कयूं, शांति संभव न आहे। शांति खां पोइ सुख न सुम्हे सवाइ सुख नथो मिली सघे। कृष्ण भावनामृत जो रहस्य छा आहे? त जीव पंहिंजे इंद्रियनि सां भॻवान जी सेवा करे, भॻवान खे प्रसन्न करण लाइ कार्य करे, ऐं जॾहिं भॻवान प्रसन्न थींदो त इनडायरेक्टली जीव बि प्रसन्न थींदो। इहो अनुभव त कृष्ण खां सवाइ ॿियो को बि न आहे जेको मुंहिंजो कल्याण करे सघे। कृष्ण खां सवाइ ॿियो को बि न आहे जेको मूंखे संरक्षण ऐं प्रोटेक्शन प्रदान करे सघे। कृष्ण खां सवाइ को बि जीवन कोन आहे। शांति ऐं निडरता केवल इन सां ई प्राप्त थींदी जॾहिं असां भॻवान श्री कृष्ण जे शरण में वेंदा आहियूं। ऐं कृष्ण जे शरण में वञण जो हिन कलयुग में हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे त प्रेम सां भॻवान जे पवित्र नाले जो जप कयूं ऐं भॻवान जी कथाउनि खे श्रवण कयूं। श्रील प्रभुपाद जी चवनि था त भॻवान जो पवित्र नालो एतिरो पावरफुल आहे त जेकॾहिं असां सही तरीक़े सां नाम उचारण नथा बि कयूं, नाम उचारण में यदि कुझु अपराध बि थियनि था, त बि आहिस्ते आहिस्ते असांखे उहो नाम पवित्र करे छॾींदो। तंहिं करे कहिड़ी बि हालति में, कहिड़े बि सर्कमटेंसिस में असांखे भॻवान जे पवित्र नाले जो जप करणु न छॾणु घुर्जे। असांखे नाम जप करणु घुर्जे ऐं धीरे 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 सभु अपवित्रताऊं, हृदय जे अंदरि जी समस्त मलिनता ऐं अनर्थ नाश थी वेंदा ऐं हृदय में भॻवान जो साक्षात्कार थींदो। इन में ई आनंद आहे, इन में ई सुख आहे, इन में ई शांति आहे ऐं इन ई सां असांखे परम गति ऐं परम लक्ष्य प्राप्त थींदो। तव्हां सभिनि जा लख थोरा जो एतिरो प्रेम सां ॿुधो था। कृपया मुंहिंजे लाइ प्रार्थना अवश्य कजो त मां पंहिंजे सेवा ऐं साधना खे चङीअ तरीक़े सां करे सघां। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। श्रीमद भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 12।